हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए हैंडमेड टेल सीजन 3 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को लेकर आया हूँ। और मैं आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा जो आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया उसके लिए। तो आइए हैंडमेड टेल सीजन 3 के एपिसोड 3 और एपिसोड 4 को यहीं से शुरू करते हैं। और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड और सीजन को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो हैंडमेड्स और बाकी औरतों को मदद करने की जून के जिद में क्या और बेकसूर लोगों की जान जाएगी? क्या जून सच में किसी की मदद कर पाएगी या फिर जून की हिम्मत उसी के लिए मुसीबत का कारण बनेगी? यही हमें आज के इन दोनों एपिसोड में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 3 में जहां पर जून पब्लिक प्लेस में थी और वहां पर कई सारी मेट्स को सजा के तौर पर रास्ते में फांसी पर लटकाया गया था और आज़ादी की मांग ने उन सभी मेट्स की जान ले ली थी। और अब अगली बारी किसकी हो सकती थी ये किसी को भी नहीं पता था। जून को मिस्टर लॉरेंस का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता था कि क्यों वो अपनी जान खतरे में डालकर उन हैंडमेड्स की मदद करते थे। मिस्टर लॉरेंस के घर एक नई मेड ने काम को ज्वाइन किया था जिसका नाम जेना था और जिसको इस घर में हो रहे बाकी काम और जून और मिस्टर लॉरेंस के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसी दिन फ्रेड और बाकी के कुछ वीआईपी लोग मिस्टर लॉरेंस के घर पर उनकी चीज़ों का कलेक्शन देखने के लिए और कुछ मीटिंग करने के लिए आते हैं। और फ्रेड को वहाँ पर देखकर जॉन उसे सेरेना के हालचाल पूछ लेती है। फ्रेड उसे सेरेना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताकर जून के नए मालिक के घर के बारे में बातें करता है। जून वहाँ पर ठीक से रह रही है, बस यही वो फ्रेड को बताती है। जून यहाँ पर फ्रेड से मिस्टर लॉरेंस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेड उसे कुछ भी खुलकर बता पाता उससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर लॉरेंस आ जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। अब इस तरफ सेरेना बहुत ही परेशान थी, तो उसकी माँ कुछ औरतों से सेरेना को मिलाना चाहती थी। सेरेना को किसी से मिलने का मन तो नहीं था, लेकिन उसकी माँ के जोर देने पर सेरेना मिलने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस के घर पर मिस्टर लॉरेंस जेना को नहीं जून को कहते हैं फ्रेड के लिए चाय ले जाने के लिए। और बहुत दिनों के बाद में जून वहाँ पर निक को देखती है। मिस्टर लॉरेंस निक और जून को देखकर ही उनका रिश्ता समझ पाते हैं और उनकी मीटिंग में औरतों के बदले बिहेवियर उनके भागने के बारे में वे बातें कर रहे थे। कुछ वीआईपीज के अनुसार औरतों के अंदर डर बनाकर रखना चाहिए, वरना उनको देखकर उनके वाइफ के अंदर भी आवाज़ उठाने की हिम्मत आ जाएगी। और यह सब जून चुपचाप सुन रही थी। और तब मिस्टर लॉरेंस जून को उसके पहले काम के बारे में पूछते हैं, क्योंकि नए लॉ के पहले जून एक बुक एडिटर थी। फिर मिस्टर लॉरेंस जून को उनके पास एक बुक लाने को कहते हैं और औरतों को वहाँ पर बुक पढ़ना रूल के खिलाफ था, लेकिन फिर भी जून को बुक का नाम पढ़ के मिस्टर लॉरेंस को देना पड़ता है। और वहाँ पर मिस्टर लॉरेंस ही वीआईपी के सामने ये कहते हैं कि औरतें बहुत काम आ सकती है, और ये बोलकर वो उनका मजाक उड़ाते हैं। और इस बात से जून बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ नैना ने सेरेना के लिए नकली उंगली बनाई थी ताकि सेरेना को थोड़ी हिम्मत मिले, और सेरेना कभी भी ये नहीं सोचे कि वो किसी भी तरीके से अधूरी है। फिर उसके बाद सेरेना की माँ के जरिए वहाँ पर बुलाए गए लोग और उनके दोस्त सेरेना के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि सेरेना का रिश्ता उसके पति के साथ अच्छे से बना रहे और निकोल भी सही सलामत वापस आ जाए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर किसी और औरत के साथ में एक ही बेडरूम में था और यहाँ पर हमें उस औरत का फेस नहीं दिखा जाता है। इधर दूसरी तरफ मिस्टर लॉरेंस जून से उसकी इंटीमेसी के बारे में पूछते हैं और वे जून के करीब भी आते हैं, लेकिन जब जून उनको किस करने वाली थी उसी टाइम पर मिस्टर लॉरेंस बोलते हैं कि ये सब फ्रेड पर किस तरह से काम किया था, जिससे कि जून को बहुत ही शर्म का सामना करना पड़ता है। मिस्टर लॉरेंस बोलते हैं कि अगर औरतों में बहुत ही टैलेंट है तो फिर उनको सेक्सुअल कामों में ही ज़्यादा क्यों लगाया जाता है। तब जून उनको ये कह देती है क्योंकि मर्द का औरत से यही काम होता है। मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक जब जून फ्रेड के घर पर थी तो उनके साथ में क्या कुछ नहीं हुआ, उनका बेबी चला गया, सेरेना की एक उंगली काट दी गई और उसका पूरा घर जल गया। जून मिस्टर लॉरेंस से ये जानना चाहती थी कि उन्होंने क्यों गलियट से भागने में ग्लेनोवा की मदद की थी, क्योंकि जून को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको ग्लेनोवा पर तरस आया था। लेकिन तब मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक वो ग्लेनोवा को बहुत ही स्मार्ट समझते थे कि वो दुनिया में काम आ सकती थी। मिस्टर लॉरेंस चाहते थे कि जून भी यहाँ से निकल जाए, क्योंकि एलिजाबेथ की अब एक ऑलरेडी माँ है जो कि बहुत ही अच्छी है और उसे बहुत अच्छे से रख रही है। उसने अफ्रीका के कई भूखे बच्चों की मदद भी की थी। मिस मैकेंजी जून की तरह किसी के हस्बैंड को नहीं छीनती थी। और यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस जून और निक के बारे में बातें कर रहे थे, जिस वजह से एडना अकेली पड़ गई थी। और आखिर में जून आज तक किसकी मदद की थी, वो तो एक बार अपने बीमार बेटे को स्कूल से लाना भी भूल गई थी। जून भी मिस्टर लॉरेंस से नाराज़ थी, क्योंकि लोगों को पब्लिकली फांसी पर लटकाने वाली सज़ा में कहीं ना कहीं मिस्टर लॉरेंस का भी परमिशन होता था।
और यह सुनकर मिस्टर लॉरेंस जून को अपने साथ एक वेयरहाउस में ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सारी औरतें कैद थी और उनकी सजा यह थी कि उनको केमिकल कॉलोनी में काम करने के लिए ले जाया जाए और वहीं पर इन्फेक्शन से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाए। यहाँ तो उनके लिए मौत से भी ज़्यादा भयानक सजा है। मिस्टर लॉरेंस जून को उनमें से 5 औरतों को उनके पहले के काम देखकर चुनने देते हैं जिनको सजा से बचाकर अच्छे काम में लगाया जा सके। जून नहीं चाहती थी कि उनमें से किसी को भी सजा मिले और उनमें से कोई भी इस तरीके से मरना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था। वैसे भी सारी औरतें मरने वाली है और अगर जून ने उनमें से 5 को भी चुना तो कम से कम उनमें से 5 की लाइफ तो थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उनकी मौत का जिम्मेदार जून नहीं बल्कि मिस्टर लॉरेंस और बाकी के VIP लोग और अथॉरिटीज़ है। यहाँ पर सेरेना अपनी माँ से इस बात से नाराज़ थी कि उन्होंने बाहर के लोगों से उसके और फ्रेड के बिगड़ते रिश्ते के बारे में बात की थी। सेरेना को जो फ्रेड ने हर्ट किया था उसके बाद में वो फ्रेड के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन पति के बिना अगर सेरेना रही या मेड या फिर केमिकल कॉलोनी में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। सेरेना के पास फ्रेड के साथ में समझौता करके रहने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था और देखकर ऐसा लग रहा था कि सेरेना की माँ को भी सेरेना की पेन का कुछ भी एहसास नहीं था। यहाँ पर निक जून से मिलने आता है और एलिजाबेथ के साथ यहाँ से बाहर निकलने में जून निक से मदद मांगती है लेकिन निक ऐसा नहीं कर सकता था जिस वजह से जून निक से नाराज़ हो जाती है। फ्रेड के अगले इंटरनेशनल मीटिंग के लिए निक फ्रेड के साथ में शिकागो जा रहा था जिसके बाद जून और निक एक दूसरे के साथ में वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सेरेना जून से मिलने आती है और सेरेना और जून दोनों ही यहाँ पर अपनी बेटी निकोल को बहुत मिस कर रहे थे। सेरेना यहाँ पर निकोल की सगी माँ तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो जून से कहीं ज़्यादा निकोल से प्यार करती थी। जून भी यही मानती थी कि सेरेना निकोल से बहुत प्यार करती थी और निकोल के अच्छे फ्यूचर के बदले में सेरेना ने अपनी उंगली भी कटवा दी थी। जून सेरेना की भी मदद करना चाहती थी क्योंकि सेरेना गलियट में घुट घुट कर मरना डिजर्व नहीं करती थी। अब अगले दिन तक जून मिस्टर लॉरेंस को उन 5 औरतों के नाम की लिस्ट दे देती है जिनमें से एक इंजीनियर, एक टीचर, एक वकील, एक टीटेक और एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और ये बात जून क्लोरा को बताती है लेकिन जेना को कुछ नहीं बताती है और इसी के साथ में episode 3 खत्म हो जाता है। episode 4 शुरू होता है जहाँ पर हैंडमेड्स, मेड्स, हस्बैंड और वाइफ्स चर्च में जा रहे थे और जब भी गलियट में कोई बेबी पैदा होता था तो उसकी भलाई के लिए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते थे लेकिन गलियट जैसे देश में आखिर कौन से बेबी की लाइफ सही हो सकती थी। जून को फिर से पास्ट का टाइम याद आता है जहाँ पर एलिजाबेथ के पैदा होने के बाद मूरिया, जॉन और उसकी माँ एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च में गए थे। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में सभी लोग चर्च में बैठ जाते हैं और यहाँ पर हम फ्रेड के पास में सेरेना को नहीं देख पाते हैं। फिर कुछ ही टाइम में सभी अमीर लोग अपने अपने बेबी को वहाँ पर लेकर आते हैं और उनकी वाइफ बेबी को लेकर स्टेज पर बैठ जाती है। यहाँ पर हैंडमेड का पेन हम साफ तौर पर देख पाते हैं क्योंकि वे लोग उन बेबी की माँ थी लेकिन फिर भी उन अमीर लोगों की वाइफ्स को उन बेबी की माँ का असली दर्जा दिया गया था। असलियत में माँ होने के बावजूद हैंडमेड का उन बेबी पर कोई भी हक नहीं था और वहीं पर जून के बेबी की भी बात होती है कि निकोल जहाँ भी हो सेफ हो और उनके अनुसार निकोल उनके देश की बेटी है जिसको ग्लेनोवा ने चुरा लिया था। यहाँ पर कनाडा में ग्लेनोवा फाइनली अपनी वाइफ से मिलती है। ये उम्मीद ही खो दी थी कि वे दोनों कभी आपस में मिल पाएंगी। गलियट में सारा और मार्क ने अपने बेबी के लिए एक पार्टी रखी थी जिसमें सभी हैंडमेड को भी बुलाया गया था। एंजेला हेना की बेटी थी तो हेना एक्साइटमेंट में कोई गलती ना करें इसीलिए एरिका पहले से उसे वार्न कर देती है और हेना भी एरिका से अच्छा बिहेव करने का प्रॉमिस करती है। सभी हैंडमेड्स उनके घर के अंदर जाती है जहाँ पर सारा जून से निकोल को खो जाने का दुख जताती है और साथ ही वो हेना का भी वेलकम करती है। जून वहाँ पर भी फ्रेड पर नज़र रख रही थी और तभी जून के पास में सेरेना आती है। पहले सेरेना जैसी थी अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। अब उसको इन सब मीटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और ना ही वो पहले की तरह बाकी वाइफ से घुल मिलकर रहती थी। जून वहाँ पर सेरेना को बता देती है कि वो एलिजाबेथ के बिना गलियट से नहीं भागेगी और फ्रेड खुश था कि सेरेना वहाँ पर आई थी लेकिन सेरेना फ्रेड की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती है और ना ही वो बाकी वाइफ्स की तरह उसका हाथ भी पकड़ती है। इस तरफ ग्लेनोवा कितने दिनों के बाद में अपने बेटे की फ़ोटो को देखती है और उसकी चीज़ों को देखने लगती है और उसका बेटा उससे भूल गया होगा। इस बात से ग्लेनोवा नर्वस हो जाती है लेकिन उसकी वाइफ ने कभी भी उसके बेटे ओलिवर को ग्लेनोवा को भूलने नहीं दिया था। ग्लेनोवा की फ़ोटोज़ आज भी उनके घर में लगी हुई थी और ओलिवर वहाँ पर आकर ग्लेनोवा को बिना कोई परेशानी के पहचान लेता है। अपनी पुरानी लाइफ को वापस पाकर ग्लेनोवा बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
इस तरफ सारी हैंडमेड्स एरिका के बारे में बातें कर रही थी जो कि उन पर इतना टॉर्चर करती थी। हेना की तो उसने एक आँख को ही छीन लिया था, लेकिन लिंजी के मुताबिक उनको जो सजा दी गई थी उसमें गलती उसी की थी। एरिका तो यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रही थी। लिंजी की ऐसी बात से सभी हैंडमेड उससे हैरान हो जाती है। फिर उसी टाइम पर वहाँ पर फ्रेड आता है और उसके आते ही बाकी के हैंडमेड्स बाहर चली जाती है। फ्रेड यहाँ पर जून से सेरेना के बारे में बात करता है। सेरेना जो कि आजकल बहुत ही बदली बदली रहा करती थी और वो बहुत ही चेंज हो गई थी, ये बात फ्रेड को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन फ्रेड तो ये भी नहीं जानता था कि जो वो चाहता है क्या वो सेरेना भी वही चाहती है या फिर वो अपनी सोच को सेरेना पर फोर्सफुली थोप रहा था। फिर कुछ देर जून से बात करने के बाद में फ्रेड वहाँ से चला जाता है। जून भी सेरेना के पास में आकर फ्रेड की कई बातों को सेरेना को बताती है कि फ्रेड उसके साथ में सब कुछ सही करना चाहता है। उसमें जून ने फ्रेड को यह सलाह दी थी कि वो सेरेना को आज़ादी दे और तब खुद ब खुद उनकी लेशन की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जून सेरेना को स्ट्रॉन्ग रहने की सलाह देता है। सिर्फ सेरेना को ही नहीं बल्कि फ्रेड को भी सेरेना की बहुत ज़रूरत थी। पार्टी में कुछ देर के बाद में सारा एंजेला को लेकर आती है और यहाँ पर हम दो माओं का दर्द देख पाते हैं। एक तरफ जहाँ पर एंजेला को देखकर सेरेना को निकोल की याद आ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ हेना दूर से छुप छुप कर एंजेला को देख रही थी और उसे गोद में लेने के लिए तड़प रही थी। एंजेला को देखकर हेना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और एंजेला को एक बार गोद में लेने का परमिशन वो सारा से मांगती है। हेना की वजह से पहले एक बार एंजेला की जान बच गई थी तो सारा हेना को एंजेला को गोद में लेने के लिए दे देती है। तभी हेना सारा और मार्क से उनकी नेक्स्ट हैंडमेड बनने देने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इस तरह से उनको एक और बेबी मिल जाएगा और हेना एंजेला के साथ में भी रह पाएगी। ये सुनकर एरिका बहुत गुस्सा होती है और वो उसे एक स्टिक से मारती है। जून उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन एरिका नहीं रुकती है और मजबूरी में जून को खुद बीच में आकर एरिका को रोकना पड़ता है। एरिका के ऐसे बिहेवियर से सभी लोग हैरान थे, जिसके बाद में एरिका वहाँ से एक रूम में जाकर बहुत रोती है क्योंकि अथॉरिटीज़ के ऑर्डर फॉलो करते करते एरिका खुद एक हैवान बन गई थी और इस बात का उसे खुद भी पता नहीं चला था। यहाँ तक कि खुद औरत होते हुए भी उसे हैंडमेड के दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। अब पार्टी खत्म होने के बाद में सेरेना जून को एक एड्रेस और टाइम बताती है जब वो एलिजाबेथ को एक बार के लिए देख सकती थी। उसी टाइम पर वहाँ पर अथॉरिटीज़ के कुछ लोग आते हैं। उनको शिकागो में एक वीडियो मिली थी जहाँ पर जॉन निकोल के साथ में था। पूछताछ में जून को बताना पड़ता है कि वो जून का हस्बैंड जॉन है और इतने दिनों के बाद में निकोल को देखकर सेरेना और जून दोनों की ही आंखों में आंसू थे। लेकिन जून इस बात से बहुत ही खुश थी कि उसकी बेबी और उसका पति एक साथ मिल गए हैं। और हम ये देखते हैं कि कनाडा में जून के बिना ही जॉन और मोरिया चर्च में निकोल के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ में हैंडमेड टेल सीजन 3 के एपिसोड 3 और 4 यहीं पर खत्म होते हैं। दोस्तों इन दोनों एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह आज़ादी की चाह में कितनी सारी हैंडमेड की जान चली गई थी। सेरेना जो कि धीरे धीरे बदलकर सबकी मदद करने लगी थी और उसे भी समझ आ रहा था कि गलेट में ये जो रूल है सब कुछ गलत है। एरिका जो कि ऑर्डर फॉलो करने में इतनी ज़्यादा खो गई थी कि उसे औरतों का और एक माँ का दर्द दिखाई नहीं देता था। तो वहीं पर हमने हैंडमेड की मजबूरी को भी देखा जो कि अपने बेबी की माँ का सम्मान भी नहीं ले पाती है। उल्टा उनको ये देखना पड़ता था कि दूसरी औरतें किस तरह उनके बेबी की माँ बनकर उनकी ममता उनसे छीन रही थी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना क्योंकि जल्दी आपको हैंडमेड टेल्स के बाकी के पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर लैंड। तो मैं आपके लिए फिर से हैंडमेड टेल सीजन 3 के एपिसोड 5 और एपिसोड 6 को लेकर आया। निकोल को वापस गलियट में लाने के लिए वहाँ की अथॉरिटीज का अगला कदम क्या होगा? क्या सेरेना भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी या फिर सेरेना भी बाकी वाइफ्स की तरह अपने हस्बैंड का साया बनकर ही रहेगी? यही हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 5 में जहाँ पर जून निकोल और जॉन को बहुत मिस कर रही थी और अपने पुराने दिनों को बहुत याद कर रही थी और मार्केट से आते टाइम लिंजी जून से जॉन के बारे में बुराई करने लगती है कि जून ने कैसे एक किडनैपर से शादी कर ली जो कि दूसरों के बच्चे चुराता था। लेकिन जून लिंजी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर घर आने के बाद जून मिस्टर लॉरेंस से मदद मांगती है कि वो पता लगाए कि जॉन और निकोल कनाडा में सेफ होंगे या नहीं, क्योंकि कलियट की अथॉरिटीज को ये पता चल चुका था कि निकोल जॉन के पास कनाडा में है। लेकिन मिस्टर लॉरेंस के अनुसार सिर्फ जॉन ही नहीं वो सभी भी यहाँ पर खतरे में हैं।
फिर इधर निकोल को कैसे वापस लाया जाए इसके लिए अथॉरिटीज एक मीटिंग करते हैं और सेरेना को अच्छा फील कराने के लिए फ्रेड खुद सेरेना को भी उस मीटिंग में शामिल करता है। निकोल की देखभाल अब जॉन कर रहा था तो इसीलिए सेरेना जॉन के बारे में और बातें जानना चाहती थी। उनकी पहुंच यहाँ तक थी कि उन लोगों ने जॉन के बारे में ही नहीं निकोल के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी निकाल ली थी। निकोल बिल्कुल ठीक थी और सेरेना चाहती थी कि निकोल हमेशा सेफ रहे और साथ ही वो निकोल के साथ में भी रहना चाहती थी। फिर इधर रात को फ्रेड और सेरेना जून से मिलने आते हैं। फ्रेड एक बार निकोल से मिलने की बात जून से कहता है। जून और सेरेना ने ये खुद तय किया था कि वो निकोल को गलियट के बाकी लोगों से दूर रखेंगे, लेकिन सेरेना खुद ही यहाँ पर निकोल से एक बार के लिए मिलना चाहती थी। वो जून को यकीन दिलाते हैं कि वो जॉन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस एक बार जॉन से बात करके उनको निकोल से मिलने दें। जून इस बात के लिए राजी नहीं होती है तो सेरेना जून से अकेले में बात करने को कहती है। जून के मुताबिक वे लोग निकोल से मिल लेंगे, लेकिन उसको क्या मिलेगा, वो तो फिर भी अपनी बेटी और जॉन से दूर रहेगी। लेकिन सेरेना के बहुत समझाने पर जून जॉन को कॉल करने के लिए मान जाती है। गलेट में किसी को भी फोन रखने का परमिशन नहीं था और बस एक ही सरकारी फोन था जिससे जॉन को कॉल मिलाई जाती है ताकि जून उससे कॉल कर पाए। फिर इतने दिनों के बाद में जॉन जून से बात करके बहुत खुश था, पर जून बाकी लोगों के सामने अपने इमोशन छुपा रही थी। जून के फोन का टाइम ज्यादा देर के लिए नहीं था तो जून उतने ही टाइम में जॉन को समझा देती है कि कल जब सेरेना और फ्रेड निकोल से मिलने जाएंगे तब जॉन उनको निकोल से मिलने दें और उससे जॉन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जॉन जून की बात को मान जाता है। फिर रात को मिस लॉरेंस जून से बात करती है और मिस लॉरेंस अपने पति से इतना प्यार करती थी कि वो एक बेबी के लिए भी अपने पति को किसी और के साथ में सोने नहीं देना चाहती थी। अब अगले दिन जाने से पहले सेरेना नीनस को एक गिफ्ट देती है जिसमें बहुत ही स्पेशल लेंस लिखी थी। सेरेना अब धीरे धीरे सबकी फीलिंग को समझने लगी थी और नीना चुपके से सेरेना को एक लेटर देती है जिसे सेरेना छुपा लेती है। सेरेना अब अकेली कनाडा पहुंच जाती है जहां पर उसका वेलकम लुक करता है और कोई भी पब्लिक सेरेना पर गुस्सा ना हो इसलिए लुक सेरेना को गलेट के कपड़े बदल कर बिल्कुल नॉर्मल लोगों के कपड़े पहनाता है और सेरेना भी वैसा ही करती है। फिर कुछ ही देर के बाद में सेरेना जॉन के जरिए निकोल को देखती है और जॉन अब भी सेरेना पर भरोसा नहीं करता था। वो सेरेना को निकोल को हाथ लगाने में नहीं दे रहा था। सेरेना को निकोल के लिए तड़पता देखकर जॉन बस एक बार के लिए सेरेना को निकोल को गोद में लेने की परमिशन दे देता है। फिर होटल रूम में जाते टाइम ल्यूक एक बार फिर से सेरेना को मदद ऑफर करता है वह गलियट से निकलने के लिए, लेकिन सेरेना इस बार भी उसे मना कर देती है। अब फिर सेरेना वापस गलियट आने लगती है और ल्यूक ने उसे एक सैटेलाइट फोन दिया था जिससे कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो वो उसे कॉल कर पाए। अब गलियट में फ्रेड सेरेना को लेने आता है और प्लेन से उतरते ही सेरेना फ्रेड को निकोल के बारे में बताती और फ्रेड को हग करती है। फ्रेड को ऐसा लगता है जैसे कि उनका रिश्ता ठीक पहले जैसा हो चुका है। अब अगले दिन जून जब मार्केट में थी तो उसे कुछ आर्मी अपने साथ में एक गाड़ी में डालकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉन से मिलते समय सेरेना ने जॉन को जून की दी हुई एक टेप दी थी जिसे अब जॉन सुनता था और उसमें जून का उसके लिए एक मैसेज था जिसमें जून बता रही थी कि गलियट में वो बस बच्चे पैदा करवाने के लिए है और वो यहाँ पर किसी तरीके से सर्वाइव कर रही थी। जॉन के पास उसकी पूरी लाइफ पड़ी है और उसे उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब जून जो कुछ भी है उससे उसको खुद से शर्म आने लगती है। निकोल को जॉन जून की परछाई मानकर उसकी देखभाल करे और वो उसे ये भी बताती है कि निकोल किसी रेप का नतीजा नहीं बल्कि प्यार का नतीजा है जिसका फादर फ्रेड नहीं बल्कि निक है और जॉन उससे पहले मिल चुका है। उस टेप में जून की कही हुई ये बातें सुनकर जॉन बहुत रोता है। अब प्रेजेंट टाइम में वो गाड़ी जून को एक बिल्डिंग में लेकर आती है जहाँ पर एरिका उसे बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है और एक रूम में जून को उसके हेलमेट के कपड़े उतारने को कहा जाता है। जून भी अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो जून को अलग रेड कपड़े पहनाकर एक स्टेज पर लेकर जाती है जहाँ पर फ्रेड और सेरेना मौजूद थे और वहाँ पर कई कैमरास भी थे। जून सेरेना को भी आवाज लगाती है पर सेरेना उस पर ध्यान नहीं देती है और एरिका जून को धमकी देकर चुप करवा देती है। ये पूरा सेटअप करवाया था गलियट की अथॉरिटीज ने। उनके प्लान के अनुसार फ्रेड और सेरेना का वीडियो रिकॉर्ड होता है जिसमें वो कनाडा गवर्नमेंट से निकोल को मांगते हैं और निकोल उनकी बेटी है जिसको किडनैप करके उसे छीना गया है और उनका ये वीडियो पूरी दुनिया में फैला दिया जाता है और उस वीडियो को कनाडा में जॉन और मोरिया भी देखते हैं और उसे देखने के बाद में जून सेरेना और फ्रेड के इस कदम से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है और इसी के साथ में ये एपिसोड 5 भी खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है
जहाँ पर गलियट में सभी निकोल के वापस गलियट में आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। पर जून तो ये प्रार्थना करती है कि निकोल कभी भी गलियट में वापस ना आए। घर में जून को मिस्टर लॉरेंस एक बार मिलती है कि फ्रेड और सेरेना ने जून को एक जगह पर जाने के लिए रेडी रहने को कहा है और वो गलियट के सभी लोग मिलकर निकोल को वापस आने के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि इन सबसे कनाडा की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़े और वो खुद ही निकोल को वापस भेज दें। एरिका जून को ट्रेन से स्टेशन पर छोड़ देती है और वहाँ पर जून को ले जाने के लिए सेरेना, फ्रेड और नीना आते हैं। जून को यकीन नहीं हो रहा था कि सेरेना वापस निकोल को गलियट जैसे देश में वापस लाना चाहती है। सेरेना तो निकोल की भलाई चाहती थी, लेकिन नीना के मुताबिक सेरेना हमेशा से बिप जाती है और बाकी उसे और किसी की भी नहीं पड़ी थी। फिर रात में फ्रेड और सेरेना जून को लेकर कमांडर के घर पर रुकते हैं और कमांडर और उनकी वाइफ ओलिविया उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। कमांडर के घर में एक नहीं बल्कि कई बच्चे हैं जिन्हें देखकर वे सभी हैरान थे। जून और नीना को वहाँ से दूसरे रूम में भेज दिया जाता है, लेकिन सेरेना और फ्रेड सभी बच्चों के साथ में घुलने मिलने लगते हैं। अब रात को एक तरफ जहाँ पर सेरेना निकोल के पैरों के निशान को देखकर उसे याद करके रो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जून निकोल के पैरों को याद करके उसे महसूस कर रही थी। और यहाँ पर हम पैदा करने वाली और पालने वाली दोनों माओं के दर्द को देख पाते हैं। फिर रात को जून कमांडर की हैंडमेड कोचे से मिलती है और जून उसी के रूम में उसी के साथ में रहने वाली थी। जून कोचे से कुछ ना कुछ पूछ रही थी पर कोच जून की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। तभी जून ये नोटिस करती है कि कोच के मुंह को लोहे की रिंग से बंद कर दिया गया था ताकि हैंडमेड अपनी आवाज न उठा पाए और ना ही उनकी मर्जी से कुछ बोल पाए। और कोच की ऐसी हालत देखकर जून बहुत ही ज्यादा डर गई थी। अब अगले दिन कई हैंडमेड्स जून और सेरेना के साथ फ्रेड और एक वीडियो शूट करने के लिए रेडी हो रहा था। और तभी निक भी वहां पर आता है जिसे देखकर जून बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फ्रेड के कहे अनुसार सभी हैंडमेड्स कैमरा के सामने निकोल को वापस गलियट में पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और जून को मजबूरी में इस प्रार्थना का हिस्सा भी बनना पड़ता है। सेरेना को अकेला पाकर जून उसे समझाती है कि निकोल को पाकर सेरेना तो बदल गई है पर गलियट अब भी वैसा के वैसा ही है, औरतों के लिए बहुत कठोर। जून जानती है कि सेरेना निकोल के लिए ऐसा फ्यूचर कभी नहीं चाहेगी पर सेरेना के मुताबिक निकोल गलियट में भी खुश रह सकती है। तब जून सेरेना को वहाँ की हैंडमेड की हालत याद दिलाती है कि किस तरह उनका मुंह बंद कर दिया गया। सेरेना कुछ बोल पाती तभी वहाँ पर फ्रेड आ जाता है जो उनसे कहता है कि कनाडा की सरकार तक उनकी वीडियो पहुँच चुकी है और वो उनसे शांति से बातें करना चाहते हैं। फ्रेड कनाडा सरकार पर और प्रेशर डालने के लिए एक सामूहिक प्रार्थना का इंतजाम करता है और वो जून और सेरेना को इसलिए रेडी रहने के लिए कहता है। इन सब चीजों से जून परेशान हो चुकी थी और उसे अब चिंता होने लगी थी कि इन सभी से निकोल कहीं वापस से गलियट में न फंस जाए। अब कुछ देर बाद फ्रेड और सेरेना कनाडा के एक सरकारी एजेंट से मिलते हैं, लेकिन वो तो जून से अकेले में बात करना चाहता था और इसीलिए सेरेना जून को कुछ भी गलत बात बोलने से मना करती है। जून उनसे बात करने जाती है और कनाडा के सरकारी एजेंट को बता देती है कि फ्रेड निकोल का फादर नहीं है और वो ये चाहती है कि निकोल हमेशा कनाडा में ही रहे। और क्या अगर निकोल के रियल फादर और उसकी माँ चाहे तो निकोल उनकी मर्जी से कनाडा में रह सकती थी, लेकिन गलियट अपनी बातों को छुपा कर रखता था और अगर उनको गलियट की कुछ अंदर की बातें पता चले तो उनको गलियट के खिलाफ यूज कर सकते थे। जून को ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो कनाडा की सरकार के साथ मिल जाती है और इससे वो निकोल के अच्छे फ्यूचर को बनाए रख सकती थी। अब रात को निक जून से चुपके से मिल जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तब जून निक को बता देती है कि उसने कनाडा की सरकार को निकोल और उसके रियल पेरेंट्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन उसने निक का नाम नहीं लिया था। जून निक से गलियट के सीक्रेट पूछती है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन कनाडा की गवर्नमेंट को बता पाए। निक जून को उनकी बातों में आने से मना करता है और ये जून पर उल्टा मुसीबत डाल सकती है। जून निक को समझाती है कि ये निक का आखिरी मौका है अपनी बेटी निकोल के लिए एक फादर का फर्ज निभाने का और तब निक भी इस काम के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जून को कनाडा सरकार के एक एजेंट से ये पता चलता है कि निक ने उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और वो शिकागो चला गया है और इस तरीके से निकोल को कनाडा की सरकार अपने देश में नहीं रख पाएगी। निक की ये बात जानकर जून हैरान थी और सेरेना से जून को ये पता चलता है कि एक टाइम पर निक गलियट की आर्मी में था तो वो अपने देश से कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। वो इतने दिनों से उनके साथ में रह रहा था पर निक के आर्मी होने की बात उनमें से किसी को भी नहीं पता थी। अब कुछ देर के बाद एरिका जून को एक लाल मास्क देती है जिसे कि हैंडमेड अपने मुंह पर लगाती है और ये एक सिंबल था हैंडमेड के चुप रहने का। तब जून एरिका से पूछती है कि क्या एरिका खुद भी चाहती है कि सभी हैंडमेड्स गुलाम और जानवरों की तरह चुपचाप रहे या फिर वो बस अपनी ड्यूटी को निभा रही थी। एरिका भी जून से यही कहती कि वो दिल से नहीं चाहती है कि हैंडमेड ये सब दर्द सहे, वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही है।
जिससे कि उसके देश का फ्यूचर सही हो रहा था। फिर कुछ देर बाद जून और सेरेना एक दूसरे से मिलते हैं। जून सेरेना के इस कदम से नाराज थी और सेरेना ने निकोल को इसलिए जाने दिया था ताकि जून भी उसके साथ में रहे। जून ने तो सेरेना की बात मानकर सेरेना को निकोल का नाम रखने के लिए दिया था, लेकिन सेरेना का ये प्यार कभी भी निकोल को अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता था। निकोल आज जहाँ पर है वहीं पर वो खुश और आजाद रह सकती। सेरेना बहुत अकेली है इसीलिए उसको बस एक बेबी चाहिए, लेकिन सेरेना ये नहीं देख पा रही थी कि गिलेट उनकी बेटी के लिए सही जगह नहीं है और ये बात सुनकर सेरेना वहाँ से चली जाती है। फिर जून अपने मुंह पर लाल कपड़ा बांधकर स्टेज पर खड़ी होती है जहाँ पर सभी हैंडमेड्स थी और सभी ने अपने मुंह पर वही लाल कपड़ा बांधा था। अब स्टेज पर ही फ्रेड और सेरेना खड़े थे और फ्रेड के कहने पर सभी निकोल को वापस गलेट में पाने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी ये प्रार्थना पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। जून के आंसू देखकर हम समझ पाते हैं कि जून निकोल को गलेट में कभी भी वापस नहीं लाना चाहती थी। और इसी के साथ में इस सीजन का एपिसोड 5 और एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि गलेट में हैंडमेड पर जुल्म इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी आवाज दबाने के लिए उनका मुंह लोहे की रिंग से बंद कर दिया जाता है। निकोल को पाने के लिए सेरेना का प्यार इतना बढ़ चुका था कि वो ये देख नहीं पा रही थी कि निकोल के लिए सही जगह कौन सी है और इस तरफ निकोल को वापस लाने से रोकने के लिए जून की सारी कोशिशें अब तक नामुमकिन दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों हैंडमेड टेल्स में अब आगे क्या होने वाला है इसे देखने के लिए आगे के वीडियोस में बने रहेगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जल्दी मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।